गांव में पंचमी के उत्सव की तैयारी चल रही है। हांडियां भर भर खीर बन रही है। खीर पक रही है तो चखना परखना तो बनता ही है। हाँ हाँ, चखना तो जरूर बनता है। सावधान हो जाओ गोपियों, खीर की हंडियों पर कड़ी नजर रखना। अरे तुम सब अब भी यही हो, वहाँ बगीचे में झूले डूल गए हैं। हाँ? सब तो वही है, मैं भी जा रहा हूँ, तुम्हें नहीं आना तो ठीक है, मैं तो चला। गाना कहीं नजर नहीं आ रहा। और बलदाव भी गायब है। गांव भर के लिए कितनी मेहनत से खीर बनाई थी। खीर बहुत स्वादिष्ट थी राधे, तुम्हारे हाथों की मिठास जो थी। रुको तो, अभी दिखाती हूँ तुम्हें, पूरी खीर खा गए तुम, पूरे गांव के लिए खीर बनाई थी हमने, तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ, रुको तो। उदो, ये तुमने गले में कैसी ताबीज पहन रखी है? ये कोई ऐसी वैसी ताबीज नहीं, कोई बहुत खास वस्तु है, इतनी खास कि काल वक्र इसकी सुरक्षा करने के लिए इसे सदा अपने साथ रखता था। जरा विस्तार से बताओ उदो, ये तुम्हें कहाँ से और कैसे मिली? जब काल वक्र के सैनिक मुझे बंदी बना समुद्री जहाज से कालद्वीप ले जा रहे थे, तब बाकी गुलामों के साथ मुझे भी जहाज में कठोर काम सौंपा गया, और फिर एक रात काम खत्म करने के पश्चात आसपास ज्यादा पहरा ना पाकर मैं वहां से भाग निकलने का कोई रास्ता खोजने लगा, तब मैं जहाज के दूसरे हिस्से में जा पहुंचा, जहां एक कक्ष के अंदर महामाया। त्रिभुवन पर विजय मुबारक हो काल वक्र। ये तो बस शुरुआत है महामाया, परंतु अब हमारे लिए ये छोटी मोटी विजय कोई मायने नहीं रखती। बहुत अच्छे काल वक्र, बहुत अच्छे। कई सौ साल से ये समुद्र की गहराई में खोया हुआ था, फिर एक दिन अचानक एक मछुआरे को ये एक मछली के पेट के अंदर मिला। मैं तो कब से ऐसे ही मौके का इंतजार कर रही थी। हाँ महामाया, तुम्हारे परामर्श की सहायता से हमने ये दिव्य चक्र ढूंढ निकाला। समझ ले ये एक चाबी है काल वक्र, जो तेरे लिए पूरी पृथ्वी पर विजय पाने का द्वार खोल सकती है। हम जानना चाहते हैं कैसे। अभी वो समय नहीं आया काल वक्र। तो कब आएगा वो समय? बहुत जल्द काल वक्र, बहुत जल्द। तब तक इस दिव्य चक्र की सुरक्षा कर काल वक्र, कड़ी सुरक्षा। जब कृष्णा से युद्ध करते काल वक्र की तलवार उसके हाथ
हाथ से जा गिरी, तब मैंने ये चक्र तलवार में से निकालकर अपने पास रख लिया। देखो तो इसमें कैसी अद्भुत सी चमक है। जरूर ये किसी बहुत विशेष तत्व से बना होगा, परंतु मैं ये नहीं बूझ पा रहा हूँ कि ये चक्र इतना खास क्यों है। कालवक्र इसकी इतनी कड़ी हिफाजत कर रहा था। ये राज तो कालवक्र के साथ काल द्वीप पर ही हमेशा के लिए दफन हो गया। आज्ञा दे राधा रानी। मेरी अंगूठी नदी में जा गिरी। करते हो बस मेरे साथ बिताने को ही समय नहीं। क्या सबकी मदद करना बुरा है? नहीं नहीं काना, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी नजरों के सामने रहो। मैं भी तो यही चाहता हूँ राधे। अब गुस्सा छोड़ भी दो। पहले वचन देना होगा कि तुम जो भी करोगे उसमें मुझे अपने साथ रखोगे। कृष्णा, कृष्णा, कान्हा, हम आज त्रिभुवन की ओर जा रहे हैं, सांझ तक ही लौटेंगे।